अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड मार्शल लॉ एंड सेकंड पॉलिटिकल फेज ऑफ पाकिस्तान 1969 टू 1977 है। इस पॉलिटिकल इवेंट में जो पॉलिटिकल फेज है इसमें जो जो चीज़ें आई हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेकंड मार्शल लॉ बेटा, 1969 में जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट थी, जैसा कि हमने डिस्कस पिछले लेक्चर में किया कि जनरल अयूब खान ने फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया और 11 साल इस मुल्क पर हुकूमत की। लेकिन लास्ट अयाम में पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान और पॉलिटिकल लीडर के दरमियान इख्तलाफात हुए, जिसकी बिना पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तमाम पॉलिटिकल लीडर ने शिरकत की, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल लीडर थे उन्होंने इसमें शिरकत ना की। इन द इवेंट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दो पॉलिटिकल पॉलिटिशियन हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, कि जिन पॉलिटिकल लीडर ने मीटिंग अटेंड नहीं की या जिनके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ना हो सके, तो इन तमाम कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए जनरल अयूब खान ने जो है वो 25 मार्च 1969 को अपने अहदे से रिज़ाइन किया और उस वक्त जनरल याहिया खान ने आपके मुल्क में सेकंड मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज किया। जनरल याहिया खान का अगर हम इरा डिस्कस करें, जनरल याहिया खान के हवाले से कि वो सियासत में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए मुल्की कंडीशन को बेहतर करने के लिए जो है उन्होंने मुल्क को आइनी तौर पर डेमोक्रेटिक सिस्टम बहाल करने के लिए ये ऐलान किया कि 1970 में पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाएंगे। और इन इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जनरल याहिया खान ने आपके मुल्क में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में बेसिकली वो तमाम एक आइनी ढांचा था जिसमें उन पॉइंट को मद्देनजर रखा गया जिसकी बेस पे 1970 में जनरल इलेक्शन होने थे। और ये जो जनरल इलेक्शन थे, ठीक है, ये इसमें वन यूनिट जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के कुछ फीचर को डिस्कस करें तो सबसे पहले नेशनल असेंबली ऑफ द पाकिस्तान वुड बी कंसिस्ट ऑफ 313 सीट, कि नेशनल पाकिस्तान की असेंबली की जो टोटल सीट होगी वो 313 होंगी, विद 13 सीट रिजर्व फॉर वुमेन, जिसमें से 13 सीटें जो हैं वो ख्वातीन के लिए मखसूस होंगी। आउट ऑफ 313 169 सीट वार रिजर्व ईस्ट पाकिस्तान, और इन 313 में से 169 सीटें जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए थी। 85 सीट फॉर पंजाब, 28 फॉर सिंध, 90 फॉर NWFP, 5 फॉर बलोचिस्तान एंड 7 सीट वार अलॉटेड टू द ट्राइबल एरिया, कि ये तमाम के तमाम नेशनल असम्बली की जो सीटें थी वो तमाम इलाकों को डिवाइड की गई। इसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन में टोटल सीटें जो थी वो डिसाइड की गई, ईस्ट पाकिस्तान को एक सूबे की शक्ल देकर टोटल जो सीट अनाउंस की गई वो 400 थी। पंजाब असम्बली के लिए 186 सीट, सिंध 62, बलोचिस्तान असम्बली वाज अलॉटेड 21 सीट एंड NWFP सूबा सरहद जो था उसके लिए 42 सीट जो थी वो अलाट की गई। और इसके बाद ये डिसाइड किया गया द इलेक्शन फॉर नेशनल असम्बली विल बी हेल्ड ऑन 5 अक्टूबर 1970 एंड प्रोविंशियल असम्बली नॉट लेटर देन 22 अक्टूबर, कि नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो 5 अक्टूबर को होंगे और सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन हैं वो 22 अक्टूबर से लेट नहीं होंगे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान विल बी फॉलो दीज प्रिंसिपल, और मुल्क का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इन असूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। पाकिस्तान विल बी द फेडरल रिपब्लिक एंड विल बी नो एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में फेडरल जो आइन होगा और
पाकिस्तान जो है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। हेड ऑफ द पाकिस्तान स्टेट वुड बी द मुस्लिम, जो मुल्क का सरबराह होगा प्रेसिडेंट उसका मुसलमान होना जो है वो लाजमी होगा। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विल बी बाई होल्डिंग फ्री इलेक्शन, के पाकिस्तान में जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वो टोटली जो है वो शफाफ होंगे और इसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी धांधली वगैरह नहीं की जाएगी और ये डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, ऑल परमिशन विल बी गिवन मैक्सिमम ऑटोनॉमी, के तमाम सूबों को जो है वो मैक्सिमम इख्तियारात दिए जाएंगे। इसके अलावा LFO को फॉलो करना तमाम पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के लिए ज़रूरी होगा और विद इन 21 डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल असम्बली, 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असम्बली की फर्स्ट मीटिंग जो है वो बुलाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है वो पेश किया जाएगा। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली विल नॉट टू बी मेड अरेंज ऑफ द मीटिंग। ठीक है, और इसके बाद इलेक्शन के बाद जो है वो मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। और इसके अलावा जो है LFO में जो है वो ये डिसाइड किया गया कि मुल्की निज़ाम जो है वो या मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें इस्लामी आइडियालॉजी को फ़रोग दिया जाएगा, वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम होगा, इस्लामी रूल जो हैं उनको फॉलो किया जाएगा और पाकिस्तान में जो अदलिया होगी वो आज़ादाना तौर पर अपने जो काम है वो सर अंजाम देगी। बेटा LFO को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान हिस्ट्री में 1970 में फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए, इससे पहले नेशनल इलेक्शन जो थे वो पाकिस्तान हिस्ट्री में नहीं हुए थे। फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन हुआ जो 7 दिसंबर 1970 को हुआ और उसमें दो पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो वाजिया अक्सरियत के साथ जो है वो सामने आई। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो शेख मजीबुर रहमान की थी, जिसका होल्ड जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा था और उन्होंने 162 में से 160 सीट जो थी वो विन की थी और वेस्ट पाकिस्तान ने अवामी लीग ने कोई भी सीट जो थी वो विन नहीं की। इसी तरह वेस्ट विंग में जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और उन्होंने जो है वो नेशनल असम्बली में 81 सीट जो थी वो विन की। और इस तरह इस इलेक्शन में ओवरऑल जो सीट थी वो शेख मुजीबुर रहमान ने हासिल की थी और इलेक्शन के बाद उन्होंने इक्तदार में आने के लिए जो है वो अपनी तगड़ो जो थी वो तेज कर दी, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो से इख्तलाफात की वजह से जनरल यहिया खान जो है थे ये तमाम मामलात को कंट्रोल ना कर सके और शेख मुजीबुर रहमान ने जो है वो इक्तदार हासिल करने के लिए जो है वो इंडियन सपोर्ट हासिल की, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मुतवाजी गवर्नमेंट जो थी वो कायम कर दी और 23 मार्च 1971 को उन्होंने अपने गार्ड में बांग्लादेश का जो परचम था वो लहरा दिया, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान के अरेस्ट होने की वजह से खाना जंगी की कंडीशन जो थी वो पाकिस्तान में अरूज पर पहुंच गई और इन तमाम कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट किया और वहाँ पर अपनी जो फौज थी वो भेजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान जो था वो एक नए मुल्क बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। अगर हम बेटा कंडीशन को देखें कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, के ईस्ट पाकिस्तान के लैदा होने की रीज़न क्या थी, तो सबसे पहले जो आ जाता है वो हिंदू टीचिंग रोल था कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947 द मेंबर ऑफ हिंदू टीचर फॉर एक्सीडिंग मुस्लिम टीचर बोथ इन द स्कूल एंड कॉलेज द हिंदू टीचर वाज बेसिकली अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, के ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी जो एजुकेटेड तबका था वो हिंदू था और स्कूलों कॉलेजों में ज़्यादा मेजोरिटी उनकी थी
और वो हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान आइडियालॉजी के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम स्टूडेंट थे उनके जहन में जो है वो वेस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत सारी गलत फहमियाँ क्रिएट की, जिसकी वजह से जो है वो दोनों इलाकों की आवाम के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए और नौबत जो थी वो सेपरेटिज्म तक पहुंची। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इज रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग या लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से जो है वो हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते कर सकें। दिस इज नो डाउट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग फेल विक्टिम टू पार्टी, के जब पाकिस्तान बना था उसमें कोऑर्डिनेट के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान की डेथ हुई और जितने भी पॉलिटिकल रहनुमा थे वो इख्तदार की हवस में जो है वो आगे आना शुरू हो गए, और इख्तदार की हवस जो थी हर पॉलिटिकल रहनुमा ये तसव्वुर करना शुरू हो गया कि इख्तदार जो है वो उसका बेसिक राइट है, और कोई भी ऐसा हमें रहनुमा नहीं मिला या पॉलिटिकल लीडर नहीं मिला जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सकें और आपस के इख्तलाफात जो है वो ख़त्म कर सकें। इसी पॉलिटिकल इख्तलाफात की वजह से जो है वो पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ, इकॉनमी बैकवर्ड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, द इकॉनमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान डिपेंड मेनली ऑन द इनकम फॉर द टी जूट एंड राइस ओनली, के जो ईस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो टोटली डिपेंड करती थी चाय पर या लेदर पर या इसके अलावा चावल की कास्ट पर, और इनके अलावा जितनी भी इकॉनमी प्रोग्रेस थी या डेवलपमेंट थी वो वेस्ट पाकिस्तान में की जा रही थी। इस हवाले से ईस्ट पाकिस्तान को जो है वो पॉलिटिकल हवाले से इकॉनमी हवाले से टोटली इग्नोर किया जा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और वहाँ के लोगों के दिल में जो है वो इस हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ जो थी वो क्रिएट हुई, और इस चीज़ को जो मेन एक्सपेंड करने वाली जो इंडियन गवर्नमेंट थी जिसने इसको बहुत ज़्यादा हवा दी। उसके बाद थर्ड आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है जियोफिजिकल लोकेशन, जियोफिजिकली पाकिस्तान वाज नॉट अ पार्शली कम्पैक्ट यूनिट बिकॉज इट कंसीडर ऑफ टू विंग्स विच वाज सेपरेट 100 माइल डिस्टेंस, के अगर हम लोकेशन के हवाले से देखें ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बेटा तकरीबन 1000 माइल का फासला था, एक साइड पर ईस्ट पाकिस्तान था, दरमियान में इंडिया था और एक साइड पर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान था, और दोनों के दरमियान जो फजाई और ज़मीनी रास्ता नहीं था, और ये भी बहुत बड़ी रीज़न थी कि जिसकी वजह से दोनों के दरमियान जो है वो तल्लुकात भी कमज़ोर रहे और जो चीज़ों का तबादला था वो भी प्रॉपर ना हो सका। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, के जिस तरह 90 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सबसे पहले जो है वो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो लैंग्वेज इख्तलाफात स्टार्ट हुए 1956 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी डिसाइड किया गया, लेकिन बंगाली जो लोग थे अभी भी उस एहसास महरूमी से नहीं निकल सके कि मेजोरिटी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो हमारी है और बंगाली ओवरऑल पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, और एक ज़बान के इख्तलाफात की जो रीज़न थी ये भी तसव्वुर की जाती है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के सेपरेट होने की। उसके बाद आ जाता है शेख मुजीबुर रहमान 6 पॉइंट फार्मूला, के शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट फार्मूला पेश किया जिसकी वजह से जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ते गए, क्योंकि ज़ाती इख्तलाफात की वजह से अगर बेसिकली कंस्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विनिंग जो सीट थी ज़्यादा वो शेख मुजीबुर रहमान के पास थी, तो ओवरऑल गवर्नमेंट का राइट उनका था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो से इख्तलाफात की वजह से जुल्फकार अली भुट्टो ने जो नारा लगाया उधर तुम और इधर हम, उस बेस पे दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या पॉलिटिकल लीडर थे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा ना हो सके, और इसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट
पेश कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो बेसिक था कि दोनों की करेंसी जो है वो अलहदा होनी चाहिए या दोनों की जो नेशनल लैंग्वेज है वो अलहदा होना चाहिए, या जो डिफेंस और फॉरन वो फेडरल के कंट्रोल में होने चाहिए, बाकी तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है वो दोनों इलाकों के पास होने चाहिए। तो ये पॉइंट पर भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो इत्तफाक ना कर सके, जिसकी वजह से जो है वो दोनों के दरमियान एक कशीदगी पैदा हुई और दोनों अलहदा हुए। इसके बाद आ जाता है रोल ऑफ इंडिया। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ऑर्गेनाइजेशन इन सपोर्टिंग द रिवोल्ट इन बंगाल अगेंस्ट द पाकिस्तान, कि इंडिया ने बाकायदा तौर पर जो है वो एक तंजीम को तैयार किया और बंगाल में जो है वो एक तहरीक स्टार्ट की और बगावत स्टार्ट की, और उस तहरीक को मुफ्ती बानी तहरीक का नाम दिया गया, और इसमें कुछ तशद्दुद पसंद अनासर को इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट के तहत ट्रेन किया और इसको जो है वो बंगाल में इंटर किया, जिसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत किए, और कत्लो गारत करने के बाद जो है वो दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में जो है वो इख्तलाफात को जो है बढ़ने की रीज़न बनी, और तमाम कंडीशन को जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो थी उस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकी। तो इंडियन रोल जो था वो भी एक बहुत ज़्यादा मेन रीज़न थी, या मिलिट्री ऑपरेशन इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने जब इत्तेजाज शुरू किया और मुक्तिबानी तहरीक को वहाँ पर इंडिया ने प्रमोट किया, तो वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसकी वजह से बहुत से जो बंगाली थे उनको भी ख़त्म किया गया और मुक्तिबानी तहरीक के जो रुकन थे उनका भी कत्लेआम हुआ। और इन तमाम कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो इंडियन फौज जो थी वहाँ पर अटैक किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन 90,000 आवाम को वहाँ पर सरेंडर करना पड़ा, और एट लास्ट जो है वो जनरल नियाजी ने एक एग्रीमेंट के तहत ये जंग बंदी का ऐलान किया, और बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश के नाम से एक नए मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। तो ये कुछ रीज़न थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अलहदा होने की। उसके बाद अगर हम देखें कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का इराक, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फर्स्ट सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर ला थे। 20 दिसंबर 1971 to 5 जुलाई 1977 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो टुक ओवर द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट एज वेल एज सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑन 20 दिसंबर 1971 में 20 दिसंबर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला, और भुट्टो पाकिस्तान हिस्ट्री में पहले सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर लॉ भी कहलाते हैं, कि जिन्होंने एमरजेंसी नाफज करते हुए मुल्क का जो इख्तियार था वो अपने हैंडओवर किया। इस कंडीशन को देखते हुए इख्तदार को संभाला और मुल्क को आइनी तौर पर बहाल करने के लिए कंस्टिट्यूशनल कमेटी बनाई, और उस कंस्टिट्यूशनल कमेटी ने 1973 में जो है वो एक कंस्टिट्यूशन नाफज की पेश किया। इसका जो पहला ड्राफ्ट था वो 12 अप्रैल 1972 को पेश किया गया, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट की वजह से उसको अप्रूवल ना मिल सकी, और फिर फाइनली जो है वो अप्रैल 1973 को एक ड्राफ्ट पेश किया गया, जिसको अप्रूव करके 40 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर उसको नाफिज कर दिया गया। और इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 12 सेक्शन और 280 आर्टिकल पर मुश्तमिल था। अगर हम उसके कुछ फीचर को डिस्कस करें, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ फीचर को अगर हम डिस्कस करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री नेम विल बी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मुल्क का जो नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान की जो ऑफिशियली लैंग्वेज होगी, ऑफिशियली रिलीजन जो होगा वो इस्लाम होगा। मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इट वॉज डिसाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान शुड बी द मुस्लिम,
कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुस्लिम होगा, प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होगा और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाएगा। मुस्लिम डेफिनेशन, फॉर द फर्स्ट टाइम द डेफिनेशन ऑफ द मुस्लिम वाज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अ पर्सन हु डिड नॉट बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एब्सोल्यूट, एक पर्सन जो फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पर मुसलमान की डेफिनेशन की गई, और वो पर्सन जो तौहीद पर या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा और डे ऑफ जजमेंट और जितनी भी डिवाइन बुक्स हैं उस पर बिलीव नहीं रखेगा, वो मुसलमान तसव्वुर नहीं किया जाएगा। और ये पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो इस्लाम मुसलमान की डेफिनेशन की गई कि तौहीद और रिसालत पर यकीन जो है वो ही मुसलमान की असल पहचान है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक लॉ, ऑल द एग्जिस्टिंग लॉ विल बी ब्रॉट इनटू द कन्फर्मेटी विद द इस्लामिक प्रिंसिपल, नो लॉ विल बी इन्फोर्स विच इज डिनाइड द टीचिंग ऑफ इस्लाम, कि कोई भी ऐसा लॉ जो है वो नाफज नहीं किया जाएगा जिस जो कि इस्लाम के अंगेंस्ट हो या इस्लामी वैल्यू की को वायलेट करता हो। कंपल्सरी इस्लामी टीचिंग एंड कुरान, द टीचिंग ऑफ कुरान एंड इस्लामिक स्टडी विल बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल एंड कॉलेज, के कुरान जीर की तालीम और इस्लामियात की जो तालीम है वो कंपल्सरी स्कूल और कॉलेज लेवल पर होनी चाहिए। अरबी को भी कंपल्सरी क्लास दिया गया, इस्लामी वैल्यूज इस्लामी वैल्यू फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इक्वालिटी लिबर्टी जो है इसको प्रमोट किया गया कि हर पर्सन जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत जो है वो हक़ तहरीर इस्तेमाल कर सकता है और मुल्क के अंदर तमाम लोगों को इक्वल राइट्स फ्राहम होंगे, तमाम लोगों को जो है वो आज़ादी होगी। ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस, ज़कात अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ ज़कात एंड अशर बाई एस्टेब्लिश द ज़कात एंड अशर कौंसल, के गवर्नमेंट जो है वो एक कौंसल बनाएगी जिसके तहत ज़कात और अशर सिस्टम को जो है वो नाफिज किया जाएगा। Elimination of riba. The government will eliminate riba and make the economy of the country free from riba. कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगी जिससे सूद का खात्मा किया जाएगा और इस्लाम पाकिस्तान को जो है वो सूद से फ्री निज़ाम इकॉनमी सिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया जाएगा। यूनिटी ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, गवर्नमेंट विल गिव फुल फोकस टू वर्ल्ड द यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, के गवर्नमेंट जो है वो फुल फोकस करेगी इस्लामी दुनिया के साथ जो है वो तल्लुकात को बढ़ाने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ द मिनोरिटी, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फुल राइट टू द मिनोरिटी, दे स्पेंड देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन एंड कल्चर, के गवर्नमेंट इस बात को यकीनी बनाएगी कि मिनोरिटी को प्रॉपर तहफ्फुज़ फराहम किया जाए और उनको अपने मजहब व कल्चर के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी होनी चाहिए। एंड ऑफ द लिटरेसी, के गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि मुल्क में एजुकेशन सिस्टम को जो है वो प्रमोट किया जाए और फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। वेलफेयर स्टेट, पाकिस्तान विल बी द वेलफेयर स्टेट, गवर्नमेंट ट्राइड इट बेस्ट टू एलिमिनेट द पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन द कंट्री, के गवर्नमेंट जो है वो पावर्टी और इलिटरेसी को दूर करने के लिए जो है वो हर मुमकिन कोशिश करेगी। एंड द बेसिक फैसिलिटी लाइक फूड शेल्टर क्लॉथ हैं शैल बी प्रोवाइड टू द पीपल, फूड शेल्टर क्लॉथ वगैरह जो है जो बेसिक ज़रूरियात है इंसान की वो प्रोवाइड करेगी। उर्दू विल बी द नेशनल लैंग्वेज, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कहलाएगी, जैसा कि पहले दो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में आए 56 और 62 उसमें उर्दू और बंगाली जो थी वो नेशनल लैंग्वेज थी, लेकिन यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान लैदा होने की वजह से पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू करार दी गई। फ्री जुडिशरी, के जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट एंड विल वर्क विदाउट एनी पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रेशर, के अदलिया जो है वो आज़ाद होगी, वो बगैर किसी सियासी या माशी प्रेशर के अपना वर्क जो है वो सर अंजाम देगी। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये आपके मुल्क में नाफज किया गया। और इसके अलावा 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है वो इसमें जो है इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया। और इस 1949 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था
उसको जनरल जियाउल हक ने 1985 में एक अमेंडमेंट के जरिए जो है वो इसका परमानेंट पार्ट जो था वो बना दिया। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, द कंस्टिट्यूशन ऑफ 1973 हैज अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द कंस्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज अ लॉट ऑफ इस्लामी रूल वाज एडेड इन द कंस्टिट्यूशन, के इसको बहुत ज़्यादा अहमियत क्योंकि ये बेसिकली इस्लामी कंस्टिट्यूशन कहलाता है। और इस कंस्टिट्यूशन में ये भी डिसाइड किया गया कि जो भी इस कंस्टिट्यूशन को ख़त्म करेगा, कैंसिल करेगा, उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो फांसी की सजा जो है वो दी जाएगी। आगे कंस्टिट्यूशन नाफज करवाने के बाद मेन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म ड्यूरिंग 1971 टू 1977 के इस इरा में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इरा था इसमें इकोनॉमी रिफॉर्म जो थी वो क्या क्या इंट्रोड्यूस करवाई गई। By 1971, 60% of the country industrial asset and 80% of insurance business was owned by 22 families. के मुल्क सबसे पहले तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार करने का बेसिक उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि मुल्क का जो तकरीबन 60% जो सनती और 80% जो है इंश्योरेंस कारोबार जो था वो सिर्फ 22 खानदानों के हाथ में था। और ये जो तकसीम थी ये नहायत ही गैर मुनसिफाना थी। मी के चंद खानदान ऐसे थे जो कि मुल्क में मोनोपोली क्रिएट करके तमाम इकोनॉमी स्ट्रक्चर को उन्होंने हाईजैक किया हुआ था। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम से निजात चाहता था, इसीलिए उन्होंने 1972 को 32 इंडस्ट्रीज को जो है वो प्राइवेट सेक्टर से कौमी तहवील में लिया। और जब उन्होंने कौमी तहवील में इंडस्ट्रीज को लिया तो उसमें बेसिक जो इंडस्ट्री थी उनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बेसिक मेटल इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, असेंबली एंड मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर प्लांट असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग, हैवी एंड बेसिक केमिकल, पेट्रोल केमिकल इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो थी वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो कौमी तहवील में ले ली। उसके बाद इंडस्ट्री को कौमी तहवील में लेने के बाद जितने भी मुल्की बैंक थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंक वर आल्सो नेशनलाइज इन 1972 के 1974 को जितने भी बैंक थे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 300 बेसिक जो छोटे यूनिट थे और बैंक जो थे वो काम कर रहे थे उनको कौमी तहवील में ले लिया गया। इसके अलावा स्मॉल यूनिट ऑफ कॉटन गेनिंग तकरीबन 300 के करीब जो छोटे कॉटन के यूनिट थे उनको भी कौमी तहवील में ले लिया गया। और उसके बाद जो है कौमी तहवील में ये बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को लेने के बाद जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो मुल्क में रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाने के रिलेटेड जो है वो स्ट्रगल स्टार्ट की। क्योंकि जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस इलेक्शन में आए तो उस वक्त उनका जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, एट द एज ऑफ रिफॉर्म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इन हिज वेरी फर्स्ट स्पीच ऑन द नाइट ऑफ 20 दिसंबर 1971 के जब वो इकतदार में आया तो 1971 को उसने जो स्पीच इंट्रोड्यूस स्पीच दी तो उसमें उन्होंने मुल्क में नई रिफॉर्म जो थी वो लाने के लिए आवाम से वादा किया, जिसमें सोशल और इकोनॉमी राइट जो थे वो लोगों के वो उनको प्रोवाइड करने का कहा गया। और इस इलेक्शन में जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टिसिपेट किया उसमें जो उनका स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान था, इस हवाले से सबसे पहले जो है वो उन्होंने लैंड रिफॉर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। लैंड रिफॉर्म ऑफ 1972 है द इंडिविजुअल होल्डिंग टू 150 एकर ऑफ एरीगेटेड एंड 300 एकर ऑफ अन एरीगेटेड लैंड, के कोई भी जो पर्सन है वो ज़मीन की इंफरादी हद जो है वो तकरीबन 150 एकड़ जो कि नहरी और 300 एकड़ यानी कि जो काश्त है काबिल काश्त है और 300 एकड़ जो गैर काश्त है वो रख सकता है, इससे ज़ायद ज़मीन रखने का वो मजाज नहीं है। और जिनसे इससे ज़ायद ज़मीनें थी तकरीबन 800,000 एकड़ के राउंड बोर्ड जो ज़मीनें थी वो उन जगीदारों से लेकर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो आम
मजारीन को दी ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी कंडीशन को जो है वो बेहतर कर सके। उसके बाद लेबर रिफॉर्म जो थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंट्रोड्यूस करवाई। बेसिकली आज के दौर में जो है पॉलिटिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अवाम की जो सपोर्ट हासिल करने के लिए जो सबसे बेहतर रिफॉर्म थी वो लेबर रिफॉर्म थी, जिसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो उस वक्त यूज किया और अवाम को जो है वो रिलीफ दिया। लेबर रिफॉर्म में सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो मजदूरों को जो है बोनस फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड की, जिसमें ये बात डिसाइड की गई कि एनुअल जो इनकम है उसमें से वन मंथ की जो इनकम है उसको एज अ बोनस के तौर पर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बारगेनिंग, ठीक है, या अश्योरेंस ऑफ द ग्रेट सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज के जॉब का तहफ्फुज़ जो है वो उसको यकीनी बनाया गया, ग्रुप इंश्योरेंस को यकीनी बनाया गया, ओल्ड एज पेंशन ग्रेजुटी और पेंशन की फैसिलिटी जो थी वो प्रोवाइड की गई, फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एंड हाउसिंग हाउस एंड मेडिकल फैसिलिटी के जो लेबर तबका था उनके लिए फ्री उनके बच्चों के लिए जो है वो फ्री एजुकेशन गार्ड और मेडिकल की जो फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई। जो ट्रेवल एरिया था पाकिस्तान का उनमें भी एजुकेशन रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। और इसके अलावा जो लेबर यूनियन थी उसको बहाल किया गया और वर्किंग आवर जो थे जो कि वीकली 54 थे उसकी बजाय 48 जो थे वो कर दिए गए, और इससे ज़्यादा जो एक्सीड टाइमिंग पीरियड था उसमें ओवर टाइम के तौर पर जो है वो लेबर को पे किया जाना शुरू कर दिया गया। तो ये कुछ लेबर इस्लाहात थी जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो अपने इस इरा में इंट्रोड्यूस करवाई। अगर हम ओवरऑल पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन का अंदाज़ा लगाएं कि ये बेटा अब हम एडवांटेज ऑफ नेशनलाइजेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेशनलाइजेशन पॉलिसी, कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन के उसके इकोनॉमी पर या आम पर्सन पर जो है वो क्या अफेक्ट हुए। सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लेबर, के जो लेबर थी उनको तहफ़ फ्राहम हुआ, ठीक है, और उनका जो एहतसाल होता था और उन वो होना ख़त्म हो गया, मीन के उनको उनकी उजरत जो उनके मुताबिक काम के मुताबिक नहीं मिलती थी अहलियत के मुताबिक वो देना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट की जो अर्निंग थी, नेशनलाइजेशन ऑफ द सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री वुड बी अनेबल द स्टेट टू अर्न अ लार्ज रेवेन्यू इजीली एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, के गवर्नमेंट की अर्निंग जो थी वो बढ़ गई और बगैर किसी कॉस्ट के, ठीक है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, के नेशनलाइजेशन की वजह से जब संतें या दारे कौमी तहवील में गए तो कुछ लोगों की मोनोपोली ख़त्म होने के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो बेनिफिट दिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो बढ़ती गई, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल ग्रोथ। इसकी वजह से नेशनलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी और पोलिटिकल जो ग्रोथ थी वो मुल्क में जो है वो ज़्यादा हुई। अगर हम जहाँ पर एडवांटेज है वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज भी है नेशनलाइजेशन के। अब डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ फ्रीडम, के इट इज़ ओनली व्हेन मैन कैन थिंक एंड एक्ट फ्रीली, ठीक, कि जब एक इंसान सोचता है कि मैं अपनी न्यू इंडस्ट्री लगाऊं तो उस वक्त उसके जहन में फौरी ये आ जाता था कि मैं भी उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कौमी तहवील में ना चले जाए। तो इंडस्ट्री की नेशनलाइजेशन की वजह से जो है वो अवाम में नई संतों को लाने के लिए जो है वो मनफी रुझान पैदा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो न्यू इंडस्ट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकी। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, जब कौमी तहवील में संतों को लिया गया प्राइवेट अदारों में कंपटीशन जो है वो बेटा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको कौमी तहवील में लिया गया तो जो कंपटीशन पावर थी या जो जुनून था कंपटीशन का वो कम होता गया, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन और क्वालिटी थिंग जो थी वो बनना कम होना शुरू हो गई।
उसके बाद जो है वो लेस इन्वेंशन ऑफ पब्लिक इन इकोनॉमिक अफेयर, मोर एवर देर इज द डेंजर इन मेकिंग द गवर्नमेंट टू सॉल्व द मास्टर ऑफ द इकोनॉमिक, कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही पेचीदगियां लेकर आया। मीन के जिसमें जैसा कि लेबर यूनियन को बहाल किया गया या उनको मजीद मदद दी गई, तो आए दिन लेबर यूनियन जो थी वो अपने मुतालबात या अपनी जो सैलरी थी उनको इंक्रीज करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टेप लेना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है वो धरना या दूसरी चीज़ें जो थी वो आम होना शुरू होगी, जो कि मुल्क की कंडीशन के लिए और इंडस्ट्री के लिए जो है वो गैर मुनासिब थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ तक इंडस्ट्री कौमी तहवील में लेने की वजह से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही थी जॉब की, वहाँ पर यह भी ट्रेंड था कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो कुछ या जो अहम लोग हैं उनके लिए जो है वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि सियासी मुदाखलत की वजह से सियासी वर्दियाँ होना शुरू हुई, जिसकी वजह से जो अहल लोग थे वो पीछे जाना शुरू हो गए। लेस इन इंटरवेंशन ऑफ पब्लिक इन इकोनॉमिक अफेयर, मोर एवर देर इज अ डेंजर इन द मेकिंग द गवर्नमेंट आल्सो मास्टर ऑफ द इकोनॉमी, के गवर्नमेंट को इस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा हुई, जिसमें सरकारी तौर पर इन तमाम मामलों को कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या लोगों को जो है वो तनख्वाहें देने या पेंशन देने के लिए जो है वो ये एक गवर्नमेंट खजाने पर बहुत बड़ा बोझ था, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को ओवरऑल चैलेंजेस जो थे वो दरपेश थे। ओवरऑल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा की अगर हम बात करें, तो बेटा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इरा है वो पाकिस्तान हिस्ट्री में कुछ पॉजिटिव पॉइंट लेकर आया और कुछ नेगेटिव। ओवरऑल जो 69 से 77 तक का जो इरा है, इसमें पाकिस्तान हिस्ट्री में आपने पहले देखा कि फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुए, जिसकी जनरल इलेक्शन की वजह से जो है वो पाकिस्तान दो हिस्सों में भी तकसीम हुआ। तो इसके अलावा इकॉनमी रिफॉर्म जो थी वो इस मुल्की कंडीशन को बेहतर करने के लिए बेहतर साबित हुई। और ओवरऑल इस इरा में अगर हम अगर इंसिडेंट के हवाले से देखें, तो ओआईसी का जो इजलास था 1974 में वो पाकिस्तान में हुआ, जो कि पाकिस्तान जितने भी इस्लामिक कंट्री थी उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट की, और पाकिस्तान में यूरेनियम की प्रोडक्शन के लिए जो है वो 1973 में जो है वो एक प्लांट लगाया गया, कराची में प्लांट लगाया गया जिसको कि न्यूब का नाम दिया गया, ठीक है। और इसके हवाले इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इस्लामी वर्ल्ड बैंक बनाने का जो प्लान दिया था, और ये वर्ल्ड बैंक जो था वो पाकिस्तान बनाने का प्लान दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं हो सका, और इसमें जो है वो पाकिस्तान के साथ जो था वो सऊदीया, ईरान, इराक, ये और यूएई के जो किंग थे वो शामिल थे, लेकिन फॉरेन लॉबी और मुल्क दुश्मन अनासर की वजह से ये प्लान जो था वो कामयाब नहीं हो सका। थैंक यू।